प्रिय बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांकों की गुणा। पिछली कक्षा में हमने पूर्णांकों की जोड़ घटा पर बहुत सारी संक्रियाएं की थी। अब गुणा पर थोड़ी देख लेते हैं कि पूर्णांकों की गुणा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। गुणा के लिए सबसे पहले तो चिन्ह वाला, वो आपको याद ही होगा, जो एक त्रिभुज के अंदर बनाया गया था, ये घटा, जोड़ और घटा। देखेंगे इसके अंदर कि कैसे ये आगे कारगर सिद्ध होगा इसमें, पूर्णांकों की गुणा में। हम यदि पूर्णांकों की गुणा करते हैं इस प्रकार से, मेरे पास कोई प्रश्न आता है, गुणा में है सारे के सारे गुणा, तो हम गुणा उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हम करते हैं। चार किए बारह, बारह दूनी 24, इसका आंसर हो गया। लेकिन अब यहां पे ये देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इन दोनों की जो निशान है वो नेगेटिव बन गया। अब फिर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को फिर देखेंगे, फिर क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव आ गया। मतलब गुणा हमें उसी प्रकार करनी है जिस प्रकार हम गुणा करते हैं, सिर्फ निशानों की तरफ ध्यान देना है, चिन्हों की तरफ ध्यान देना है कि नेगेटिव पॉजिटिव में से कौन सा आएगा। गुणा उसी प्रकार करनी है जिस प्रकार हम कर रहे हैं, हमें आती भी है ये। 3 बजे 15, 15 एकम 15, 15 3 45। लेकिन इन दोनों की गुणा पहले यदि करते हैं, चिन्ह चिन्ह की, नेगेटिव नेगेटिव, मेरे पास क्या आ गया ये, पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव, फिर एक और गुणा आ रही है, तो मेरे पास क्या आ गया ये, पॉजिटिव। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव पॉजिटिव गुणा हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब क्या आ गया ये, जोड़ का आ गया। इसमें सिंपल सी भाषा में यदि हम इसको समझें, सिंपल सी भाषा में यदि हम समझें कि गुणा 2 3 6 6 24, 3 6 6 18 18 4 72, 2 1 2 2 3 6 6 6 24। अब निशानों की बात करते हैं कि पूरे के पूरे गुणा में कितने निशान हैं, नेगेटिव के 1 है तो नेगेटिव आएगा, इसमें कितने निशान हैं नेगेटिव के 2 हैं तो पॉजिटिव आएगा, इसमें कितने निशान हैं 3 हैं तो नेगेटिव आएगा, इसमें कितने निशान हैं 4 हैं तो पॉजिटिव आएगा। अब ये ध्यान रखना है कि यदि एक ही संख्या के अंदर जो निशान है नेगेटिव के, ऋण के, घटा के, यदि वो विषम संख्याओं में है, मतलब 1 है 3 है 5 है 7 है, तो उत्तर हमेशा हमारा नेगेटिव आएगा, और यदि वो 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, सब संख्या में है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जब 2 नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव बनेगा, 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव 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 रहेगा, 2 नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। लेकिन ये 2 नेगेटिव यदि पॉजिटिव बन जाएंगे तो एक और नेगेटिव हमारे पास बच गया, इस नेगेटिव पॉजिटिव से फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि पूरे सवाल के अंदर, पूरे प्रश्न के अंदर यदि एक नेगेटिव निशान है संख्या के अंदर, प्रश्न नहीं कह रहे हैं क्योंकि जोड़ घटा भी हो सकती है उसके अंदर, संख्या के अंदर एक संख्या, ये मानते हैं कि जो गुणा के अंदर लिखी जाती है, यदि बीच में जोड़ या घटा का निशान अलग से आ गया तो फिर वो अलग संख्या बन जाएगी। एक संख्या के अंदर यदि 1 माइनस का निशान है तो आंसर माइनस में आएगा, 2 है तो प्लस में, 3 है तो माइनस में, 4 है तो प्लस में। इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ये तो था सिंपल, हमें भी हमारे पास कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कीजिए। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि गुना हम कर सकते हैं, पहले इनकी करें वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन गुणा करते वक्त आसान गुणा बनाने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा जीरो बनाई जा सके, शून्य बनाई जा सके, उतने ज्यादा शून्य हमें पहले बनाने हैं। वो कैसे, जैसे कि 25 को हम पहले 4 से गुणा कर देते हैं, 25 चौके 100, अब इनकी गुणा 100 आ गई, और 100 को 15 से गुणा करेंगे हमारे पास क्या आ गया, 1500। सीधा एक लाइन के अंदर आंसर आता है, और नेगेटिव कितने हैं, 1 नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो इस तरह से प्रश्नों को भी हमने चिन्हित करना है। जैसे हमारे पास एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है कि 25 गुणा -125 गुणा -4 गुणा 8। तो अब हमें यह देखना है कि किन 2 को गुणा करने से शून्य है वो ज्यादा बन रहे हैं। अब मैं यदि मैं 25 को 4 से, मैंने अभी किया है, 25 को 4 से गुणा करूं तो ये क्या बन गया, 100 बन गया, और 125 से 8 को गुणा करूंगा तो 1000 बन गया।
अब गुणा करके देखिए 1000 हो गया, और 1000 को यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो सीधी बात है एक एक में एक और 5 जीरो है, तो 5 की 5 जीरो हमारे पास आ जाएंगी, ये बिल्कुल एक लाइन में गुणा होगी। और निशान कितने हैं हमारे नेगेटिव के, 2 नेगेटिव निशान है, तो किस में आ गए, पॉजिटिव में आ गया। तो हमें पूर्णांकों की गुणा में यह भी ध्यान में रखना है, कहीं हम इसी में उलझ रहे हैं, 25 को पहले 125 से गुणा करें, जो उत्तर आएगा उसको 4 से गुणा करें, फिर जो उत्तर आएगा उसको 8 से गुणा करें। तो मैक्सिमम हमें यह भी देखना है कि हम गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 24 गुणा नेगेटिव 38 जमा 34 गुणा 38। अब इसमें हमें यह देखना है कि जब बीच में ये प्लस का निशान आ गया तो ये संख्या अलग हो गई और ये संख्या हमारे पास अलग हो गई। अब इन दो संख्याओं में हमें पहले 24 को नेगेटिव 38 से गुणा करना है, फिर 34 को 38 से गुणा करना है। जब 34 को 38 से गुणा करेंगे बहुत बड़ा हमारे पास टाइम भी लगेगा और संख्या ही बड़ी आएगी, और इसको भी गुणा करेंगे तो भी संख्या आएगी, और उसके बाद जोड़ घटा देखेंगे तो टाइम काफी लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें यह देखना है कि दोनों संख्याओं में क्या कोई ऐसी संख्या जो दोनों में है कॉमन है। 38 है, देखो यहां भी 38 है और यहां भी 38 है, तो उस 38 को मैं पहले ले लेता हूं और ब्रैकेट शुरू करता हूं। ब्रैकेट में यदि मैंने 38 यहां ले लिया तो यहां क्या बच गया, 24, और एक निशान भी है नेगेटिव का, तो नेगेटिव 24 बचा है मेरे पास। और जब पीछे वाले लूंगा तो यहां पे क्या बचा है, 34। अब यहां से करने में मेरे पास क्या हुआ कि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है 34 और 24, 34 में से 24 घटेगा निशान बढ़ेगा रहेगा, तो मेरे पास क्या बच गया, 10 बच गया सीधा सा। और अब 10 को इससे मैं गुणा कर सकता हूं, 38 × 380। इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं। और कैसे प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं, देखिए बिल्कुल आपको आसानी से मिलेंगे सारे प्रश्न। 127 × 35 जमा 65 × 127 कुछ ऐसे भी मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में देख लो, एक संख्या ये, एक संख्या ये, दोनों में हमारे पास क्या चीज है जो कॉमन है, वो 127 है। अब 127 को बाहर ले लो, ब्रैकेट शुरू, यहां क्या बच गया, 35, और आगे क्या बच रहा है, 65। यहां से 127 ऐसे कैसे ही गुणा में होता है ब्रैकेट, यहां पे 35 और 65 को जोड़ें क्या आ जाएगा, 100, और 100 से गुणा करना बिल्कुल आसान है, 127 से कम 127 और 2 जीरो बाद में, ऐसे कैसे लग गई। अब इस स्थिति में एक संख्या हमारे पास ये हो गई और एक संख्या हमारे पास ये है। अब दोनों में क्या चीज है जो कॉमन है, वो 57 है, वो मैंने पहले ही ले लिया। यहां क्या बच गया, 19, और नेगेटिव इसी संख्या के हैं दोनों, नेगेटिव 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 क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहां यदि 57 ले लिया तो यहां जोड़ में मैं क्या लिखूं, जो इसके साथ गुणा में होगा, और 57 के साथ क्या चीज गुणा में होती है, गुणात्मक तत्समक हमारे पास एक होता है, अभी उससे गुणा करें तो वही संख्या आएगी, तो एक यहां पे हमें लेना है। तो ये हमारे पास आ गया 57 × 19 और 1 = 20। 57 × 2 कितने हो गए, 114 है, और बाद में 1 0। एक प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से आ सकता है, तो हम पहले घटा करें तो 48 को 7 से गुणा करने में हमें मुश्किल लगी, हम इसको खोल के लिख लेते हैं, 7 × 50 = 7 × 2 अलग अलग कर दिया, देखो 7 की इसके साथ भी गुणा कर दी, 7 की इसके साथ भी, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 350, और 7 × 14, 350 में 14 जाएंगे 336 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम खोल के भी कर सकते हैं इसको, ऐसे जैसे आपको करना है वैसे आप पूर्णांकों की गुणा कर सकते हैं। और अभी इसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, ये प्रश्न आप करके और अपने अध्यापकों को दिखाइए।